दोस्तों, इस्लाम का नाम आते ही एक आम भारतीय के सामने पड़ोसी देश पाकिस्तान का चेहरा दिखने लगता है। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि मजहब के नाम पर बने इस देश ने बीते 75 सालों में मानवता को गहरे घाव के अलावा कुछ और नहीं दिया है। लेकिन दुनिया के सभी मुस्लिम देश ऐसे नहीं हैं। कुछ ऐसे इस्लामिक देश भी हैं जो पूरी दुनिया में अलग पहचान तो बना ही रहे हैं, साथ ही एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ रहे हैं। इस्लाम पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में करीब 24% लोग मुस्लिम हैं। इसकी संख्या लगभग 1.8 अरब से भी ज्यादा है। इसके साथ ही 27 देश हैं जो मुस्लिम हैं। वैसे तो दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर धर्म के अपने अपने नियम हैं, लेकिन इस्लाम के मामले में नियम कुछ ज्यादा सख्त बनाए गए हैं। खासकर महिलाओं को लेकर ये नियम काफी ज्यादा कड़े हैं, लेकिन वो इनका विरोध भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वो सही लगते हैं। इतना ही नहीं, इन मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को भी इनके नियमों को मानना पड़ता है, क्योंकि इन देशों के कानून इस्लाम के पवित्र पुराण कुरान से लिए गए हैं, जिसके कारण मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमान और दूसरे धर्म के लोगों को वहां के नियमों को मानना ही पड़ता है। और कभी कभी तो इन दूसरे धर्म के लोगों को ऐसी ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जिनका उनके धर्म में दूर दूर तक नाता नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी मुस्लिम देश है जहाँ इस्लाम के कड़े नियम लागू नहीं होते हैं। उसने अपने देश के कानून में इतना बदलाव कर दिया है कि जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि इसने ऐसे नियम लागू किए हैं जिनके बारे में मुस्लिम धर्म में बताया ही नहीं गया है। इस देश में रहने वाली गैर मुस्लिम आबादी के लिए ये कानून बनाए गए हैं। इन्हीं कानूनों में शामिल है कि यहाँ गैर मुस्लिम लड़कियां बिना शादी के भी माँ बन सकती हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि कट्टर नियमों पर चलने वाले इस्लामिक धर्म, जहां महिलाओं को पर्दे में तो रहना पड़ता ही है, साथ ही शादी से पहले और शादी के बाद बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, वहां गैर मुस्लिम धर्म की लड़कियों को इस तरह से छूट देना काफी हैरान कर देने वाला नियम है। आखिर ऐसा क्यों है? कौन सा ऐसा देश है जहां इस तरह से छूट दी गई है? और साथ ही और कौन से नियम हैं जो यहां लागू हैं, जिनके बारे में मुस्लिम धर्म में नहीं बताया गया है? साथ ही इसे मोस्ट लिबरल कंट्री भी बनाते हैं। तो आप ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिस इस्लामिक देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई है, जहां पर इस्लामिक कानून है। लेकिन हाल ही में यहां एक नया कानून बनाया गया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। नए कानून के मुताबिक यहाँ रह रहे विदेशी लोगों को आर्थिक और धार्मिक आजादी दी जाएगी। इसके साथ ही दूसरे मजहब की लड़की को बिना शादी के मां बनने की भी इजाजत है। 1 फरवरी 2023 को लागू किए गए इस नियम को वैसे तो नवंबर 2021 को ही मंजूरी दे दी गई थी। तब यहाँ के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जिनका मई 2022 में देहांत हो चुका था। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बनने के बाद से शेख खलीफा ने देश और अबूधाबी की सरकार में कई कड़े सुधार करवाए हैं। उनके शासनकाल में संयुक्त अरब अमीरात में विकास की लहर काफी तेज हुई। दोस्तों, यूएई अपने देश में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कानून लागू नहीं करता है, बल्कि अपने देशों की अर्थव्यवस्था के मुताबिक कानून बनाता है। इसके अलावा यहाँ इस तरह से नियम बनाए गए हैं जिससे यहाँ क्राइम का रेट भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ अपराध करने वालों पर रहम नहीं दिखाया जाता है और ना ही उन्हें किसी तरह की छूट दी जाती है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन बाकी के नियम काफी लिबरल हैं। यहाँ के लोग अपने मुताबिक धर्म को मानते हैं और उसी के मुताबिक आजादी से जीने की छूट है। वही बात जब प्रॉपर्टी, शादी, गार्जियन या डिवोर्स की आती है तो यहाँ कुछ मुस्लिम धर्मों की बातों को अपनाया गया है। लेकिन यहाँ गैर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉ बनाया गया है। इस लॉ की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस लॉ को इतना उदार कर दिया गया है कि आप यूरोप के किसी भी देश से इसकी तुलना कर सकते हैं। इसमें यूएई में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों की शादी, तलाक, बच्चे की कस्टडी, संपत्ति पर अधिकार, विल आदि को लेकर बहुत छूट दी गई है। दोस्तों, यूएई में बनाया गया नियम पहला ऐसा नहीं है जिसमें छूट दी गई है। दरअसल यहाँ के बने पहले नियम काफी लिबरल हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ की बढ़ती अर्थव्यवस्था, यूएई की इकोनॉमी इस बात पर टिकी हुई है कि यहाँ बाहर के देशों के लोग आएं और बिजनेस करें, जिससे यहाँ की इकोनॉमी में और ग्रोथ हो। इसके अलावा यूएई के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी इस तरह की छूट दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए यहाँ हर धर्म को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, यूएई ये बात जान चुका है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे देश में नहीं जाना चाहेगा जहाँ के नियम इतने सख्त हों कि उनको निभाने में व्यक्ति परेशान हो जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाए। ऐसे में यूएई ने अपने देश के नियमों को काफी लिबरल बनाया है। इस सुधार की शुरुआत अबू धाबी के फैमिली कोर्ट से हुई थी, जब कोर्ट ने एक गैर मुस्लिम कपल को शरिया कानून के बगैर ही तलाक या शादी करने की अनुमति दे दी। इस कानून को लागू करने से पहले यूएई में रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों को शरीयत के कानून का पालन करना पड़ता था, जिसके मुताबिक ही शादी और तलाक होते थे। इसके साथ ही यहाँ किसी बच्ची की पहचान के लिए पिता की जानकारी जरूरी होती थी। इसके साथ ही शादीशुदा होने का भी प्रूफ देना पड़ता था। लेकिन अब इन सब नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब किसी माँ को अपने बच्चे के पिता की जानकारी देना जरूरी नहीं है। माँ
चाहे तो पिता का नाम नहीं भी बताए तो भी उसके बच्चे को लीगल ही माना जाएगा, यानी कि बिना शादी के भी एक महिला माँ बन सकती है। इस नियम के बाद गैर मुस्लिम की मर्जी है लीगल प्रोसीडिंग में कौन सा लॉ लागू करवाना चाहती है, यानी कि वो चाहे तो कंट्री लॉ ले या फिर फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉ, वो जो चाहे लागू करवा सकती है। दोस्तों, इन नियम के बाद यूएई में कोई भी गैर मुस्लिम जोड़ा शादी करना चाहता था तो उसे सिर्फ दो नियमों को पूरा करना होगा, जिसमें पहला यह है कि दोनों की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, उन दोनों को जज के सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करना होगा। इसके साथ नियम ये भी है कि सिबलिंग्स, अंकल या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या फिर कुछ रिश्तों के बीच शादी माने नहीं होगी। ये नियम यूरोप के रजिस्ट्री ऑफिस वेडिंग से मिलता जुलता है। इसी तरह तलाक की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। इससे पहले तलाक के लिए आवेदक को यह साबित करना पड़ता था कि उसके साथी ने शादी के दौरान उसको नुकसान पहुंचाया है, यानी कि उसका कोई फॉल्ट साबित करना होता था। लेकिन अब तलाक के लिए ऐसा नहीं, अगर किसी एक कपल में कोई एक शादी से नाखुश है और वो अलग होना चाहता है तो फिर वो अलग हो सकता है। इसके लिए पार्टनर का फॉल्ट साबित करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह संपत्ति पर अधिकार और अन्य चीजों को लेकर भी नियम बेहद आसान कर दिए गए हैं। यूएई में पहले तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी माँ को ही दी जाती थी। अगर पिता को कस्टडी मिलती थी तो भी उसे अपना एक स्पाउस चुनना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूएई में नए नियमों के मुताबिक बच्चे अगर 18 साल से छोटे हैं तो वो उनकी कस्टडी शेयर कर सकते हैं, यानी वो लीगली को पेरेंटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी एक पेरेंट को बच्चे की कस्टडी को लेकर दूसरे पेरेंट से प्रॉब्लम है तो बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में दूसरे पेरेंट के लिए कस्टडी राइट से एक्सक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। दोस्तों, यूएई में इस तरह से कानून के पास होने के बाद इसे अरब दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया इस मुस्लिम देश की दरिया दिली की बात कर रही है। ये लॉ इनहेरिटेंस और टेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अब गैर मुस्लिम कपल अपनी विल को अपनी मैरिज सर्टिफिकेट वाले सेम टाइम से रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी संपत्ति को जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी विल रजिस्टर्ड किए बगैर ही मर गया तो उसकी मौत के बाद 50% संपत्ति उसके स्पाउस को जाएगी, वहीं बाकी बची उसके संतानों के बीच बंट जाएगी। वहीं अगर उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं है तो बची हुई 50% संपत्ति उसके माता पिता के पास चली जाएगी, और उसके माता पिता भी जीवित नहीं है तो उस व्यक्ति के भाई बहनों को वो संपत्ति चली जाएगी। इसके साथ ही गैर मुस्लिम के लिए अलग से कोटा भी एस्टेब्लिश किए गए हैं, जहां नॉन मुस्लिम की शादी, कस्टडी, तलाक, पैटर्निटी, इनहेरिटेंस और पर्सनल स्टेटस से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। दोस्तों, यूएई में लागू किए गए ये नियम गैर मुस्लिम वर्ग को बहुत ज्यादा आजादी दे रहे हैं, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में ऐसी छूट मिलती नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसे नियम सभी जगह पर लागू होने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।